टू माई चैनल, स्वागत है नए फ्रेश व्लॉग में। आपको ऐसे देख के थोड़ी सी हैरानी तो हो रही होगी, क्योंकि मैं बताता हूँ आज हमने अभी वीकेंड स्टार्ट हो गया ना, तो छोटा सा ट्रिप पे जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ हमेशा ट्रिप जा रहा है, ठीक है। ये आपने लास्ट उसको गाइड वाली वीडियो में देखा होगा, इसके घर पर जाके गाइड बुलाई थी, मेरा कज़न है ये, ठीक है। तो आज अभी जो ट्रिप हमने स्टार्ट किया है ना, स्टार्ट करती है बारिश स्टार्ट हो रही है, मैं उस चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये रही अपनी बाइक, पूरा सैडल बैग वगैरह सेट किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन अभी रुकना पड़ेगा क्योंकि बारिश यार काफ़ी तेज़ आ गई थी, ठीक है। और अभी जो हमारा प्लान है ना गाइस, वो है हमारा चक्राता का प्लान, लेकिन चक्राता डायरेक्ट नहीं जाने वाले, ठीक है। सब कुछ दिखाएंगे आपको, पहला स्टॉप जो लेंगे हरिद्वार पे लेंगे, तो आपको दिखाऊंगा कि हरिद्वार में अभी क्या चल रहा है, क्या सीन है, ठीक है, अभी रिसेंट में। और उसके बाद फिर जाए जो नाइट स्टे करने वाले हैं, हम देहरादून में करेंगे, देहरादून, फिर देहरादून में दिखाऊँगा आपको। उसके बाद देहरादून के बाद जाने वाले हैं और ऊपर, और ऊपर वो मैं बताऊँगा कि कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को बने रहना और इन्जॉय करना वीडियो को, जैसे कि हम अपनी राइड को इन्जॉय करें। तो राइड वाली वीडियो, ट्रैवल वीडियो काफ़ी टाइम के बाद में डाल रहा हूँ मैं, तो यार ठीक है, वीडियो के साथ बने रहना, मज़े करेंगे। अभी थोड़ी बारिश रुक जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को, ठीक है गाइस, चलो। पहला स्टॉप लिया हमने, वो लिया है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के अंदर 8-10 किलोमीटर के आगे आ गए, ठीक है। मतलब 100-120 के बाद पहले ही लिया होगा अभी हमने, है ना, 100-120 के बाद पहले ही स्टॉप लिया था। तो एक ढाबा है, क्या नाम है इसका, पता नहीं, जो भी है, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो अंदर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, और ये अपनी बाइक दिखा देता हूँ। ये देखो बाइक ए रही है अपनी, सैडल बाइक, ठीक है। और ये ऐसा कुछ ढाबा है, ऐसा मिल जाएगा आपको आइसक्रीम, आइसक्रीम सब कुछ है, ठीक है। चलो आओ जल्दी से खाते हैं, थोड़ा बहुत तो निकलते हैं आगे, और मैं आपको मिलने वाला हूँ आगे हरिद्वार। और जो नाइट स्टे होने वाला है वो हमारा होने वाला है देहरादून में, देहरादून के बाद आगे कहाँ जाएंगे वो मैं आपको जल्दी से बताऊँगा। तो पहले भी हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार का भी ब्लॉग आपको बढ़िया से दिखाऊँगा, और उसके बाद देहरादून स्टे करेंगे। चलो ये आ गए अपने पराठे परूठे, आलू प्याज दही, मैं दही लगवा दी थी, कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं, तो दही के साथ खाएंगे। भैया कोई कह रहे थे दाल के साथ, मैं दाल के साथ कौन खाता आलू प्याज का पराठा भाई, फिर मैंने दही मंगाया। A few hours later. So, दोस्तों फाइनली अभी हरिद्वार पहुंच गए हम, ठीक है। पूरा प्लान कैंसिल हो गया था, मैं लिटरली बोल रहा हूँ पूरा प्लान, क्यों भाई प्रिंस है ना, मतलब ये सोच लो कि वापस जाने वाले थे नोएडा से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट कर लिया 2:30 बजे, और 3 बजे वहाँ से निकले हैं, और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे हम हरिद्वार पहुँच गए हैं, ठीक है। 4 घंटे में पहुँच गए थे, 2 स्टॉप भी लिए थे बीच में, ठीक है। एक ढाबे वाला जो बीच में दिखा, 1 स्टॉप और लिया था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी यहाँ पे मौसम जो हो रहा है ना यार, काफ़ी गदर हो रहा है, अभी बारिश हुई है यहाँ पे, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, और हालत देख लो यार, ये देखना पूरी हालत ख़राब हो गई, ठीक है। ये रही अपनी बाइक, ये देखो, और अब इसको पार्किंग में लगा दिया है। अब सैडल बैग लेके चलते हैं अंदर, और देखते हैं कि हरिद्वार के अंदर क्या सीन चल रहा है, ठीक है। मौसम ने यहाँ पे ठंडा हो गया है, मतलब अभी सितंबर है, आज के क्या डेट है, आज है आपकी, आज है 2 तारीख, ठीक है गाइस। और मैं आपको बताऊँ 2 सितंबर को मौसम भी ठंडा है, आई थिंक बारिश की वजह से। और अभी मैंने वाटर भी देखा था, जो गंगा जी का पानी है ना, काफ़ी ऊपर तक बह रहा है। चलो अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको, चलो। तो अभी हेलमेट तो हमने पार्किंग वाली जगह पे रखवा दिए, ठीक है। और ये बैग हमारा सैडल बैग, इसको लेके जाना पड़ रहा है साथ में, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हमने सेटिंग बिठाने की कोशिश तो बहुत करी थी कि भाई ये बैग रख लो, पैसे ले लेना, लेकिन बात बन नहीं पाई थोड़ी सी, वरना तो आराम से जाते और नहा के धो के आराम से यहाँ से निकल जाता आके देहरादून। अभी हम बोल तो रहे हैं देहरादून जाना है, पता लगे वहाँ जा ही ना पाए, तो यहीं स्टे करना पड़ जाए। तो अभी देखते हैं क्या होता है, पहले चलते हैं नहाते हैं। अभी ये हरिद्वार की मार्केट के बीच में हूँ, मार्केट देखो, मार्केट एंजॉय करो। तो ये गाइस मार्केट है, देख लो, यू मिल रही छल्ली स्वीट कॉर्न यहाँ के, ये देखो, यहाँ मिल जाएंगे आपको गंगा जल भरने के लिए, आरती का सामान, सारा पूजा पाठ का सामान मिलेगा, प्रसाद
छल्ली, भुट्टा, आइसक्रीम, मेलोडी आइसक्रीम, क्या हाल है भाई? ठीक है। और ऐसे पब्लिक घूम रही है, वेली जनता हमारी तरह। चलो फटाफट अंदर चलते हैं। अब काफी ज्यादा है, मतलब ये देखो ये है अपना कूली नंबर वन। कोई मैं इसको 50 रुपये दे दूंगा, कह रहे मेरे को 50 रुपये दे देना, मैं आपका सामान वहां तक पहुंचा देता हूं। मैं कहा ठीक है, इसका जुगाड़ हो जाएगा, समझ गए ना। चलो आओ, यहां वो टैटू वाले हैं, टैटू बन रहा है, आओ टैटू दिखाते हैं आपको। लाइव टैटू बन रहा है यहां, यहां देखो लाइव टैटू, लाइव टैटू दिखाओ भैया जरा कैसे बना रहे हो। कितने पैसे लेते हो भैया? एक इंच के 100 रुपये। अच्छा, ये देखो टैटू बन रहा है, चलो आओ आगे चलते हैं। और ये देखो व्यू, देखो गाइस यहाँ का रात्रि व्यू। भैया जल्दी चलो यार, देखो इसने टी शर्ट भी वैसी कूली वाली पहनी है, रेड रेड। हे गाइस, गाइस भीड़ बहुत तगड़ी वाली हो रही है। इससे बैग नहीं उठाया जा रहा है, एक बैग नहीं उठाया जा रहा है इससे। ये देख लो यहाँ पर पानी कितना आया हुआ है, वो तेरी बाप देखो। थोड़ा रात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस। और क्राउड तो यहाँ पे फुल है, मुझे तो लगा था इतना क्राउड नहीं होगा, लेकिन बहुत क्राउड है। जय हो। गाइज अभी चल रहे हैं हर की पौड़ी, ठीक है। अभी मैं आपको हर की पौड़ी भी दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने मतलब कि गंगा जी में जो मैंने मुँह धोया ना, वो स्टार्टिंग में ही धो लिया था, यहाँ पर नहीं आए थे, तो अभी मैं आपको हर की पौड़ी भी दिखा देता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि अब आए तो आपको हर की पौड़ी भी दिखा के जाऊँगा, आ जाओ। तो अभी हम ये सोच रहे हैं, अभी बच गए 8:15, तो अभी देहरादून निकलने की सोच रहे हैं। अभी होटल में बात करी थी तो होटल वाला कह रहा है कि आ जाओ, अभी यहाँ पे एक्चुअली बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो हमें कंफर्म करना था कि रास्ते में बारिश तो नहीं है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे बारिश नहीं है, आप आ सकते हो। तो हर की पौड़ी दिखाता हूँ, हर की पौड़ी खाली है, बल्कि वो पीछे पूरा क्राउड है, हर की पौड़ी देखो बिल्कुल खाली है। और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, ये देखो सुखाइस, ये देखो पूरी खाली है। और हम जो मैंने जो मुँह धोया था ना, वो उस साइड किया था, उस साइड पे बिल्कुल ब्रिज के पीछे। और ये देखो हर की पौड़ी तो बिल्कुल खाली है, ये देखो। और टाइम देख लो गाइस, 8:15। तो ये है व्यू अपना हर की पौड़ी का, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं बाहर, मैं यहाँ पे आपको हरिद्वार की जो मार्केट भी दिखा देता हूँ। तो मार्केट घूमते हैं, थोड़ा सा मार्केट भी दिखा देता हूँ आपको, फिर यहाँ से सीधा निकल जाएंगे देहरादून में, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट देहरादून में मिलूंगा गाइस। और बाकी कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी बताता हूँ। चलो देख लो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, आपको दिखा देता हूँ। देखो चूड़ी, ये सब पता नहीं क्या है, चूड़ी वगैरह, और ये अपना प्रसाद, ये सब मिल जाता है यहाँ पे, धूप बत्ती, ठीक है। आओ और दिखाता हूँ। तो ऐसे पूरी मार्केट है, पूरी वहाँ एंड तक है, बहुत बड़ी मार्केट है। चलो आओ जल्दी से दिखाता हूँ, आ जाओ। ये ढाबे ढूबे भी हैं यहाँ, खाने पीने का सारा मिल जाएगा, तो खाना पीना ये देखो दिखा देता हूँ आपको, ऐसा ये सब मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखो
जोत वगैरह सारा पूजा का सामान भी मिल जाएगा और ये सब मिल जाएगा। ठीक है, ये चलो घड़ियाँ मिल रही है, ये घड़ियाँ वड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, ये देखो डिस्प्ले में दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे यहाँ पे ये भी मिल जाएगी। सरोजिनी नगर बनाया हुआ है हरिद्वार को, ये देख ले। चलो 100 रुपये की सेल, 150 रुपये की, ये देखो ऐसे कुर्ते की कुर्ते मिल जाएंगे ऐसे महाकाल वाले, ये देखो बच्चों के भी है, ये देखो ये भी 100-100 रुपये में, ये देखो। So guys, देखो यहाँ पर ये वाली जोत काफी फेमस है, ये देखो इस तरह की जोत मिलते हैं यहाँ पर। ये वाली कितने की, बड़ी वाली 120 की, तो ये 120 की है, और ये छोटी वाली 80 रुपये की बताइए भैया ने, ये देखो। और ऐसे सारा सामान है, ये देखो कड़े कुड़े भी हैं, ये देखो पहनियो माला पहनियो, बंजा बाबा बंजा तो ये देखो ये बैंड और ऐसा सर, ये सब सामान मिलता है यहाँ पर, ये देख लो गाइस। ठीक है भैया, मूर्तियाँ वगैरह भी हैं आपके पास, ये देखो गाइस सब सब कुछ एवरीथिंग, ये देखो मूर्तियाँ भी भगवान जी की, ये देखो। कितने से स्टार्ट है? 80 रुपये। अच्छा 80 रुपये से स्टार्ट होता है गाइस, ये देखो शंख ये सब है। तो यही है अपनी मार्केट पूरी हरिद्वार की, ठीक है। और यहाँ पर है वो भैया खाने वाला फेमस कौन सा, कचौड़ी वाला है क्या, मोहन मोहन पूरी वाला है यहाँ पे, वो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, चलो ठीक है। और अभी थोड़ी सी चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि यार सुबह से ना एक ही बार चाय पी है नाश्ते के टाइम पे, उसके बाद चाय नहीं, पूरे रास्ते चाय नहीं पी है। अब मैं मोहन पूरी वाले का भी दिखा देता हूँ एक बार आपको, और फिर चाय भी पीते हैं, चलो। सो प्रिंस जी, आपको कैसा लग रहा है हरिद्वार की मार्केटों में घूमते हुए? बहुत ही बढ़िया, बस थकान हो गई। थकान हो गई वैसे, क्या अच्छा क्या लग रहा है, क्या मजा आ रहा है यहाँ पे? मोहन पूरी वाला और बाकी यहाँ पे थोड़ा रिलीजियस सा प्लेस है थोड़ा। अच्छा, ये मजा आ रहा है, सही कह रहा है। अभी जो उधर अभी हम आए थे ना, काफ़ी भीड़ थी, खाली खाली सा हो गया। अब हम जा रहे हैं मोहन पूरी वाले के पास, मोहन की पूड़ियाँ खाने, खाएँगे नहीं खाएँगे वो पता नहीं, दिखाएँगे ज़रूर आपको। और ये देखो यहाँ पर ऐसे ही रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, हाँ ये रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं बड़े बड़े से खुले हुए हैं, ठीक है। होटल मतलब आराम से कमरे वमरे मिल जाते हैं यहाँ पे, आराम से रहने के लिए फैमिली के साथ आओ, फैमिली फ्रेंड के साथ भी आओ, आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे। ये है मोहन जी पूरी वाले, ठीक है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और ये देखो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, गुलाब जामुन, मेरे को तो देख के मुँह में पानी आ रहा है गुलाब जामुन के, हैं भाई खाएगा गुलाब जामुन? ये रे और दिखाता हूँ यहाँ पूरी, वैसे तो पूरी के लिए फेमस है, बाकी सब मिल जाता है इनके पास, कचौड़ी समोसा ये सब भी मिल जाता है। क्या खाएगा बता, हैं चाचा मेन्यू दिखा देते हैं, ये देख ये रहा, ठीक है देख लो भाई। और ये कहाँ पड़ता है, जब एंट्री करते हैं ना यहाँ से, अरे कौन सी जगह थी, हर की पौड़ी के सामने से राइट में पड़ता है। और ये पीछे जो मैंने मार्केट गई थी ना, वहाँ पे आपको सारा प्रसाद ये सब मिलता है, और यहाँ पे सारे ढाबे हैं। ठीक है, अपन टिकट फिलहाल अपन टिक्की ले रहे हैं, ठीक है, टिक्की के साथ खाएंगे चाय, नहीं सॉरी पियेंगे, यहाँ बैठ गए हैं। तो ये देखो पूरी मार्केट यहाँ, मौसम यार मौसम हो रहा है, लेकिन अब बारिश नहीं आनी चाहिए, अब अगर अब बारिश आ गई ना तो ऊपर देहरादून जाना कैंसिल हो जाएगा, फिर हम ना घर के रहेंगे ना घाट के, सही बात है, फिर ना घर के ना घाट के, फिर यहीं रुकना पड़ेगा। और सुबह हमें पहले देहरादून जाएंगे, फिर देहरादून आपको दिखाऊंगा, उसके बाद चक्कर आता जाएंगे, ठीक है। तो अभी पहले चाय पी लेते हैं, चाय पीते सीधा अब यहाँ से जा रहे हैं पार्किंग में, बाइक उठा के निकल जाएंगे सीधा देहरादून के लिए, और अब सीधा मैं आपको देहरादून में मिलूंगा, देखते हैं वहाँ पे रूम कैसे मिलता है, होटल वोटल के कैसे ना सब कुछ बता दूँगा, चलो ठीक है। फाइनली गाइस पहुँच गए हम देहरादून, ठीक है, और हमें होटल भी मिल गया है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी डील मिल गई है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो अभी गाइस हालत ये है, एज अ फुली पैक्ड रूम है, ठीक है। तो अभी चलते हैं रूम में और फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। बाइक अपनी खड़ी यहाँ पर, और बाइक भी थक गई है और हम भी थक गए हैं, लेकिन अभी बाइक को और थकाना है, क्योंकि अभी हम खाना खाने भी जाएंगे, डिनर करने के लिए जाएंगे। और प्रिंस कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो होटल भी काफ़ी अच्छा मिल गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको होटल का नाम भी बता दूंगा गाइस, ठीक है, पहले अंदर चलते हैं सामान लेके। क्या नाम है भैया? मंदाकिनी होटल। मंदाकिनी, ये देहरादून रोड पे ही है ना? हाँ। तो ये मंदाकिनी होटल है, ठीक है, और ये देहरादून रोड पर ही पड़ता है, चला जाए उठा ले। इसमें कभी सास दी कभी बहू की शूटिंग हुई थी तो ये अपना सैडल बैग है, पहले सैडल बैग हटा दिया, सब हटा दिया मैंने। अरे रे रे गाइस, ये मेहनत छोड़ दे ओए, ये भाई सही है अपना सब कुछ,
अपने आप ही कर लेता है। तो होटल का व्यू देता हूँ आपको थोड़ा सा, ये अभी कंस्ट्रक्शन साइट है ठीक है, और ये अपने पीछे रिसेप्शन है। चलो चलते हैं ऊपर, और अपना जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, भूख भी लग रही है बहुत तगड़ी। 3 बजे से बाइक चला रहे हैं और 11 बज गए ठीक है। तो इसमें हम हरिद्वार भी घूमाए, इधर हरिद्वार भी घूमाए, और हरिद्वार घूम के हम देहरादून भी आ गए और अपना रूम भी ले लिया ठीक है। तो रूम दिखा देता हूँ, रूम में एंट्री कर ली है, रूम देख लो गाइस, ये देखो ऐसा कुछ रूम है। ये रूम है और हमने लिया एसी वाला, क्योंकि बिना एसी के तो बड़ा मुश्किल हो जाता। ये कौन सा तरीका भाई चलाने का। और वॉशरूम देख लेते हैं, ये वॉशरूम है ठीक है, ठीक है, और नाइट स्टे के लिए काफी अच्छी जगह है। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिलते हैं आपसे जल्दी। नेक्स्ट वाले एपिसोड में देहरादून से हम जाएंगे कहाँ, सहस्त्रधारा, और देहरादून को थोड़ा सा एक्सप्लोर और करेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी से दूसरे एपिसोड में। टिल देन बाय, ध्यान रखना अपना, आपका भाई आपका दोस्त दिल से आशीष, बाय बाय, बाय कर दे, बाय बाय बाय।